नमस्कार किसान मैं साथियों, आज की कुछ आवश्यक अपडेट दरोदा मंडी की 7 अक्टूबर 2024 का दोस्तों आज का दिन है और दोपहर की एक नई सूचना जो कि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। अब मंडी के लिए यानी कि टाइमिंग अगर आप ध्यान दें 2:30 बजे का समय हो रहा है यानी कि दोपहर का समय, और इस अनुसार एक नई अपडेट दरोदा मंडी की आज के दिन की जो अभी आई है, और जिन किसान मित्रों का माल मंडी के अंदर पड़ा है और जो किसान मित्र अब मंडी के लिए आना चाहते हैं यानी कि दोपहर की अगर सेकंड नीलामी के लिए, तो उसको कुछ जानकारी प्रदान करूंगा और कुछ आवकों की स्थिति, अभी की स्थिति जो मंडी के अंदर हमें देखने को मिली है और अभी कुछ नई सूचना मंडी प्रशासन के द्वारा अभी कुछ मिली है उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के साथ में बताने का प्रयास करूंगा। अब मंडी के लिए जो अब निकलना चाहते हैं यानी कि 2:30 बजे की जो मंडी है सेकंड मंडी, जो इसके अंदर नीलामी का अगर आप करवाना चाहते हो उसके लिए स्थिति कि आज दरोदा मंडी में सेकंड नीलाम नहीं चलेगा, इसकी अपडेट मैं आपको पहले दे देता हूँ। अब मंडी की एक आवक की स्थिति मैं आपको बता देना चाहूँगा कि किस प्रकार की आवक आज दरोदा मंडी में अभी है। बाकी मंडी जो चलेगी वो 4 बजे से लहसुन का नीलामी कार्य मंडी के अंदर चलेगा, जो भी कृषक बंधु जिनका भी माल मंडी के अंदर पड़ा है और जो मंडी के लिए अब आना चाहते हैं, तो उसको मैं आपको सूचना प्रदान करूँ दोस्तों कि मंडी का सेकंड नीलाम 2:30 बजे जो चलता है वो आज नहीं चलेगा। आज नीलामी कार्य मंडी का जो चलेगा वो शाम को 4 बजे से नीलामी कार्य मंडी के अंदर शुरू किया जाएगा। सेकंड नीलाम आज मंडी के अंदर नहीं चलेगा, डायरेक्टली तीसरा नीलाम मंडी के अंदर आज चलेगा। ये आज के लिए बदलाव है जो कि जानकारी आज मंडी की सीधे मिल रही है। अब थोड़ी आवक की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ ताकि कुछ कृषक बंधु अगर इक्का दुक्का बोरी लेकर आसपास के कृषक भाई अब मंडी के लिए आना चाहते हैं, तो उसको कुछ स्थिति और जायजा आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाए। चलिए वीडियो के साथ में बने रहेगा और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय जवान जय किसान। एक अराइवल अपडेट देख लेते हैं आज की। ये जो सुबह में माल आया हुआ था इसका इलामी कार्य सुबह में हो नहीं पाया था, कुछ अराइवल बढ़ गई थी मंडी के अंदर, आवक की स्थिति और कुछ माल मंडी के अंदर आ रहा है, जो नया माल खाली हुआ है उसको अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। ये इस ओर आपको जो माल देखने को मिले ये सारा ऊपर की ओर थोड़ा जूमिंग करके स्थिति बता देता हूँ। ये माल अभी आया मंडी के अंदर यानी कि ऊपर का एक गार आप समझ लेते हैं, और ये इस प्रकार की जो सेकंड यानी कि ऊपर और नीचे के दो गारे हैं, ये अभी बाकी नीचे वाले फील्ड में आपको कोई भी माल देखने को नहीं मिलेगा, ये इतना ही माल मंडी के अंदर है। बल्कि बता देना चाहूँगा एक नई सूचना आज के दिन का ही अपडेट है, इस बात का विशेष ध्यान दें। 7 अक्टूबर 2024 का दिन का जो नई प्रशासन के द्वारा अपडेट आई है दरोदा मंडी प्रशासन की अपडेट, तो सेकंड नीलाम मंडी के अंदर नहीं चलेगा। अब जो भी नीलामी कार्य मंडी का चलेगा आज का दिन का शाम की 4 बजे से नीलामी कार्य दरोदा मंडी में लहसुन का शुरू होगा। सेकंड नीलाम जो मंडी के अंदर चलता है 2:30 बजे से वो आज चालू नहीं होगा दोस्तों, इस प्रकार की अपडेट है। अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी कृषक बंधु अगर मंडी के लिए अपनी लहसुन को अगर बेचना चाहता है आज के दिन की, तो आवक ज़्यादा नहीं है, 1.5 घंटा नीलामी कार्य मंडी के अंदर जो चलेगा यानी कि 5:30 बजे तक की टाइमिंग है। पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आज के दिन पर मिल जाए। और इसी के अनुसार 4 बजे जो नीलामी कार्य मंडी के अंदर चलेगा, दो गाड़ी हैं, एक ऊपर का, और 3:30 बजे से पहले जो भी कृषक बंधु मंडी के अंदर पहुंच जाएगा उसका नीलामी कार्य आसानी से कंप्लीटेड हो जाएगा। अगर आप देरी से मंडी पर आते हैं तो हो सकता है कि आपका माल कल बिके, लेकिन टाइमिंग के अनुसार मैं आपको अपनी टाइमिंग के अनुसार बता दूं, बाकी नीलाम तो 4 बजे चलेगा, लेकिन 3:30 से पहले जो भी आज के दिन में मंडी में पहुंच जाएगा उसका लहसुन का नीलामी कार्य टाइमिंग से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप देरी से आते हैं तो आपका लहसुन शायद कल नीलामी कार्य हो। ये इस प्रकार की आज की मंडी की अराइवल की अपडेट जो मैंने आपको बता दी। अब आने का फैसला या नहीं आने का फैसला या अपने किसान मित्र आप खुद लीजिएगा। मंडी में आज सेकंड नीलाम नहीं चलेगा, डायरेक्टली तीसरा नीलाम मंडी के अंदर आज चालू रहेगा।